नमस्कार किसान भाइयों, आईएसआर इंदौर से मैं डॉक्टर शिव कुमार आज आपको सोयाबीन की नवीन वेराइटी एनआरसी 128 के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो किस्म जो एनआरसी 128 है, ये भारत देश में दो जोन के लिए रेकमेंड हुआ है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन जोन, इसमें जो आता है 3 राज्य, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और ईस्टर्न जोन में 5 राज्यों, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसका जो औसत उत्पादन जो है 18 से 22 क्विंटल रहेगा प्रति हेक्टर। और इसका जो जैसे अच्छी मौसम में जो जैसे इसका जो हाईएस्ट जो ईल्ड आया है 28 क्विंटल रांची में, और ऐसे ही मतलब नॉर्दर्न प्लेन जोन दिल्ली लोकेशन में इसका जो हाईएस्ट ईल्ड आया है 40 क्विंटल प्रति हेक्टर में। अब मैं उसके कैरेक्टर्स के बारे में अभी जानकारी देता हूँ। इसका जो फूल है, इसका बैगनी या पर्पल फूल रहेगा, और इसका जो पलियों और पत्ती दोनों के ऊपर इसका जो है भूरे रंग की रोया होता है, और इसका जो पकने का जो अवधि है 108 से 110 दिन रहेगा। अब मैं इसका प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये जो किस्म 3 डिसीज़ के लिए, 3 बीमारी के लिए है प्रतिरोधक है। ये जो है वह येलो मोज़ेक वायरस, जैसे पीले मोज़ेक वायरस बोलते हैं हम, और दूसरा जो है चारकोल रॉट, एंथ्रेक्नोस, ये 3 बीमारी के लिए इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। और तंबाकू की इलियों के लिए भी प्रतिरोधक है, और जलभराव की स्थिति में भी प्रतिरोधी है। किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि इसको अवश्य लगाइए एवं सोयाबीन की खेती में लाभ पाइए। धन्यवाद।